नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वसुंधरा और आप सभी का यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आती ही रहती हूं। इसी तरीके से आज भी मैं आपके साथ लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो ये कहानी एक गरीब लड़के की है। तो हुआ यूं था कि एक बार एक गरीब लड़का था, वो चाहता था कि वो मन लगाकर मेहनत करे, बहुत कमाए और अपने परिवार के साथ खुश रहे। लेकिन जिस तरीके से गांव में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उसी तरीके से उसके गांव में भी इतना कुछ रोजगार नहीं था जहां पर वो मेहनत करके कुछ कमा सके। इसीलिए नौकरी की तलाश में वो दूर शहर चला गया। शहर में जाकर उसने नौकरी की तलाश करी और उसको एक नौकरी मिल भी गई। वो मन लगाकर मेहनत करता था, पूरी जी जान से मेहनत करता था, अपना हर चीज में बेस्ट देता था। 6 महीने तक उसने खूब मेहनत करी। उसके बॉस उससे बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि वो अपने एम्प्लॉय को कुछ अच्छा सा तोहफा दे, क्योंकि वो इतने मन लगाकर मेहनत करता था। लेकिन हुआ यूं था कि 6 महीने के बाद वो अपने मालिक के पास गया कि क्या मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकता हूँ। अंदर ही अंदर उसको पूरी उम्मीद थी कि हाँ, मेरे मालिक मना तो नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इतने मन लगाकर काम जो किया है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसके मालिक ने मना कर दिया। अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आया, पर लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और पूछा, शांति से पूछा कि मालिक, मैंने तो इतनी मन लगाकर मेहनत करी है, तो आप मुझे कुछ दिन तक घर क्यों नहीं जाने दे रहे। इस पर उसके मालिक ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तो तुम 2 महीने के बाद घर जा सकते हो। उसने पूछा कि 2 महीने के बाद? उसने कहा कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस इलाके का सबसे आलीशान, सबसे खूबसूरत घर खरीदना है। तुम्हें जगह जगह ढूंढना है कि इस इलाके में, शहर में सबसे सुंदर और सबसे महंगा घर कौन सा है। वो अंदर ही अंदर खुश हुआ कि इसमें मुझे 2 महीने की क्या जरूरत है, ये तो मैं फटाफट 10 दिन में करके अपना काम खत्म कर सकता हूँ। वो अगले ही दिन से उस काम में जुट गया और 2 महीने की बजाय उसने 10 दिन में ही वो घर ढूंढ डाला। वो आया अपने मालिक के पास कि मालिक, मैंने घर ढूंढ लिया। उसके मालिक कहते कि मैंने तुम्हें 2 महीने का टाइम दिया था, तुमने 10 दिन में ही ढूंढ लिया। कहता कि हाँ, मैंने ढूंढ लिया, यहाँ का जो भी महंगा घर था अच्छा था। तो उसके मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे आलीशान, तो उसने कह दिया कि हाँ, सबसे आलीशान है। इस पर अब उस गरीब लड़के ने कहा कि अब तो मैंने ये काम भी कर लिया, तो क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। उसके मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, तुम 2 दिन के लिए अपने घर गाँव वापिस जा सकते हो। उसने कहा कि 2 दिन में क्या होगा, 1 दिन तो मुझे जाने जाने में ही लग जाता है, तो मैं 2 दिन में वापिस कैसे आऊंगा। इस पर मुस्कुराते हुए उसके मालिक ने कहा कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जो घर मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, वो और किसी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ही था। अब इस पर वो गरीब लड़का अंदर ही अंदर खुश भी हुआ और निराश भी। मालिक ने जब उससे उसकी निराशा का कारण पूछा, तो उसने बताया कि मालिक, अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि ये घर मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ, तो मैं और अच्छा, इससे भी सुंदर घर ढूंढता। मैंने जल्दबाजी में ऐसा घर ढूंढ लिया जिससे और भी अच्छे मुझे मिल सकते थे। दोस्तों, ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। अब उस गरीब लड़के ने 6 महीने तक इतने मन लगा के ईमानदारी से काम किया, उसका फल भी उसको मिला कि उसको एक घर मिल गया। लेकिन बाद में उसने थोड़ा सा स्वार्थी होकर अपना बेस्ट नहीं दिया, थोड़ा सा बेईमानी दिखा दी, जिसका फल उसको ये मिला कि उसको उससे अच्छा मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पर अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई और अपना बेस्ट नहीं दिया। हमारे जिंदगी में भी ये मालिक हमारा वक्त होता है। हम बाद में पछताते हैं कि काश मैंने ये चीज पहले कर दी होती, काश मुझे मालूम होता कि ये मेरे लिए है। इस काश शब्द में ही हमारी पूरी जिंदगी सिमट कर रह जाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर चीज में अपना बेस्ट दें, बिकॉज हार्ड वर्क नेवर डिसअपॉइंट्स यू। हार्ड वर्क से, मेहनत से कभी भी हमें निराशा नहीं मिलती। अगर हम कोई भी काम मन लगाकर करेंगे तो उसका फल भी हमें जरूर मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप भी इन सभी बातों से सहमत हैं, तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए एसटीवी। थैंक यू।